हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बर्थडे के लिए बहुत ही फ्लेरी सा आउटफिट, जिसके लिए मैंने नेट की दो साड़ियाँ ली हुई हैं और दोनों साड़ियों के मैचिंग का ब्लाउज है इसके साथ में। और इसके साथ मैंने लिया है 4 मीटर सैंटून का फैब्रिक। और ड्रेस की पूरी डिटेल वीडियो देखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ इस तरीके की पार्टी वेयर ड्रेसेस शेयर करने के लिए, क्योंकि पार्टी वेयर ड्रेसेस कैमरे के सामने बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक साड़ी ले लिया है और आज स्कर्ट के पार्ट को हम थोड़ा अलग तरीके से कट करने वाले हैं। तो इसको हम कलियों में बनाएंगे, लेकिन कलियों को अम्ब्रेला में कट करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे करना है। और दोनों लेयर को यहाँ पे अच्छे से सेट करते हुए, किनारों को मिलाते हुए पिन से सेट कर लेंगे, ताकि कपड़ा इधर उधर कटिंग के टाइम नहीं खिसके। इसके बाद यहाँ से कॉर्नर से कपड़े को इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से कोन का शेप बना लेंगे। और यहाँ कॉर्नर से कपड़े की चौड़ाई नापेंगे, तो ये है 44 इंच। तो इस तरीके से कोने पे कपड़े को रखते हुए हम 44 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारे स्कर्ट की जो लेंथ है वो है 42 इंच। उसके बाद ऊपर से जो एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और किसी भी साइज़ के लिए आपको यही मेज़रमेंट यूज़ करना है। तो यहाँ से ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा करके मैंने इसको कट कर लिया है। और यहाँ पे स्कर्ट के लिए 2 कली हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे वेस्ट लाइन के लिए कोई मेज़रमेंट नहीं है, क्योंकि हमें वेस्ट लाइन पे प्लीट्स डालना है, तो आप जितनी चाहें उतनी कलियाँ कट कर सकते हैं। उसके बाद बचे हुए कपड़े को यहाँ पर डबल लेयर में ही इस तरीके से सेट करेंगे। और इसके ऊपर जो पीस हमने कट किया था उसे इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक साड़ी से 4 पीस इस तरीके से कट कर लिए हैं। उसके बाद मेरे पास इतना कपड़ा बचा हुआ है जिससे कि 1 पीस और कट हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से सेट करेंगे। तो इस तरीके से 1 पीस को लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्कर्ट के लिए 5 पीस इस तरीके से अम्ब्रेला में कट कर लिए हैं। और इस तरीके से अम्ब्रेला में कट करने से कपड़ा ज़्यादा नीचे से लटकता नहीं है। फुल सर्कल में जब एक बार कट कर देते हैं तो वो कई जगह से कपड़ा नीचे से लटक जाता है। और यहाँ पे बैक साइड के लिए जो स्कर्ट कट करेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कट करना है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस की तरीके से मैंने साड़ी को इस तरीके से डबल फोल्ड में कर लिया है। उसके बाद यहाँ से कॉर्नर से उठाएंगे और कोन का शेप देंगे और सेम उसी तरीके से कट कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट के लिए पैनल्स कट किए थे। Hear me out, hear me out.
बाद जो कटा हुआ पैनल है उसे फैब्रिक के ऊपर सेट करेंगे और दो और पैनल कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने बैक साइड के स्कर्ट के लिए चार पीस कट कर लिए हैं। अगर आपके पास फैब्रिक है तो और भी कलियां कट कर सकते हैं। और चारों पैनल को कट करने के बाद पूरी साड़ी में से इतना फैब्रिक बचा हुआ है जिससे कि हम अपर पार्ट के बैक का पैनल और स्लीव्स को कट करेंगे। जब भी हम स्कर्ट को अम्ब्रेला में कट करते हैं तो नीचे से उसकी शेप खराब हो जाती है। इसको परफेक्ट करने के लिए हमें सभी पीस की कटिंग करनी पड़ती है नीचे से। तो एक एक पीस को लेंगे और इस तरीके से ऊपर से चुनट जैसे बिछाएंगे और इसको ऊपर थोड़ी देर लटका करके ऐसे रखेंगे। उसके बाद नीचे जब सेट करेंगे तो जो भी कपड़ा ऊपर नीचे है उसको अच्छे से हम यहाँ से कट कर लेंगे। इससे हमारे ड्रेस में जो नीचे की फिनिशिंग है वो बहुत ही परफेक्ट आएगी। उसके बाद स्कर्ट के लिए लाइनिंग को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है जिससे कि हम 3 पीस में लाइनिंग को कट करेंगे। 2 पीस में करेंगे तो उसका फ्लेयर कम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले एक पैनल को कट करने के लिए यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगल में अच्छे से फोल्ड करके सेट कर लेंगे। उसके बाद इसके कमर का निशान लगाएंगे। जो हमारे वेस्ट का राउंड मेजरमेंट है वो है 30 इंच। तो हमें 3 पैनल कट करने हैं तो इसलिए उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 10 इंच आएगा। और यहाँ पे ये हमारा डबल फोल्ड में है तो हम 5 इंच लेंगे उसका हाफ। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ कपड़ा अम्ब्रेला में होता है तो कट करने के बाद ये फैलता है, इसलिए सिलाई के लिए ऊपर 1/2 इंच मार्जिन रख लेंगे। उसके बाद नीचे स्कर्ट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से टेप को पकड़ेंगे और 42 इंच पे निशान लगा लेंगे। और नीचे में एक पैनल में इस तरीके से फैब्रिक कम है तो यहाँ पे फैब्रिक को सेट करके इसको यहाँ पे पिन लगा करके सेट कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। इस तरीके से हमारा एक पैनल रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम 2 पैनल और कट करेंगे। उसके लिए फैब्रिक को सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमने पीस बनाया हुआ है उसे इसके ऊपर सेट करके हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे लाइनिंग के 3 पीस रेडी कर लिए हैं और 3 को साथ में स्टिच कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे टोटल 9 कली कट की थी जिनको साथ में स्टिच कर लिया है। यहाँ पे लाइनिंग के 3 पीस को साथ में अटैच कर लिया है। इसके ऊपर अब अपने मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरीके से छोटी छोटी चुनट्स डाल के यहाँ पे सिलाई लगा करके इसको
लाइनिंग के फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा करके दोनों को अटैच कर लिया है मैंने। इसके बाद अपने योक के पार्ट की कटिंग करेंगे, तो जिसके लिए मैंने ये पैटर्न पेपर पे बना लिया है और इसी को रख करके हम पहले अपने बैक के पोर्शन की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ बैक के योक के पार्ट में नीचे की जो लेंथ है वो 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की जो चौड़ाई है वो है 3.75 और जो इसकी लेंथ है वो है 2 इंच। उसके बाद फिटिंग के टक्स की मार्किंग करेंगे, तो फोल्डिंग वाली साइड से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर शोल्डर से नीचे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और दूसरी साइड भी इस मार्किंग को इस तरीके से ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट के पैटर्न की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से ऊपर से 10 इंच पे बस्ट के पॉइंट का निशान लगाएंगे, फोल्डिंग वाली साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और लाइन के दोनों तरफ 1.25 इंच पे निशान लगा देंगे और इसे इस तरीके से मिलाते हुए प्रिंसेस कट का शेप देंगे। नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे 3.75 पे और नेक की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पे। उसके बाद पैटर्न को इस तरीके से ओपन करेंगे, फोल्डिंग वाली साइड से 4 इंच पे निशान लगा करके इसे इस तरीके से शेप दे देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद इसको मेन फैब्रिक पे और लाइनिंग के फैब्रिक पे रख करके दो दो पीस कट कर लेंगे। तो यहाँ पैटर्न को रखते हुए मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को कट कर लिया है और साथ में एक वाइट फैब्रिक भी कट किया है मोटा, जिससे कि हमारे टॉप में एक अच्छा सा शेप आ जाए। तो यहाँ पे दोनों फैब्रिक को साथ में अटैच कर लिया है, उसके बाद सिलाई लगा करके इस दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है दोनों साड़ियों के ब्लाउज का पीस, जिसे कि मैं दोनों पैनल पे इस तरीके से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे प्लीट्स मैंने सेट कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद दूसरे पैनल पे भी फैब्रिक को इसी तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद किनारों पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से कट कर लेंगे और किनारी में सिलाई लगा करके इसको लाइनिंग के फैब्रिक के साथ में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों पैनल रेडी हो गए हैं। उसके बाद नेक लाइन की फिनिशिंग करेंगे, तो उसके लिए 1.5 इंच की तिरछी पट्टी ली है और उसे सिलाई लगा करके यहाँ पे पलट लेंगे। तो यहाँ पे तिरछी पट्टी से नेक लाइन की फिनिशिंग कर ली है। उसके बाद दोनों पैनल को एक दूसरे के साथ में इस तरीके से सेट करेंगे और बिल्कुल नीचे से बराबर इसको कट कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से नेक की लेंथ की मार्किंग करेंगे 7 इंच पे और इसे इस तरीके से दोनों मार्क को मिलाते हुए सेट करेंगे। और यहाँ पे दोनों तरफ इस तरीके से पैनल की चौड़ाई देख लेंगे, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। उसके बाद नीचे में पिन लगा करके सेट करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेंगे।
और यहाँ पे वेस्ट लाइन पे एक बेल्ट अटैच करेंगे। इसकी चौड़ाई 4.5 इंच ली है। पहले इसको रेडी करेंगे, तो इसके लिए मैंने नेट का ये पीस लिया हुआ है। इसके ऊपर इस तरीके से पहले इसको सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे, और नीचे में मोटा कॉटन का वाइट फैब्रिक भी अटैच कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे और इसको सेंटर में यहाँ पे पिन लगा करके सेट करेंगे। उसके बाद नेट के फैब्रिक को इस तरीके से सेट करेंगे और इसको दोनों साइड से इस तरीके से खींचते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा जो वेस्ट लाइन पे है फैब्रिक बहुत ही अच्छे से सेट हो। दोनों साइड में सिलाई लगा करके इसको अटैच कर दिया है। उसके बाद अपने बेल्ट को लेंगे और इस तरीके से अपने वेस्ट लाइन के साथ सेट करते हुए अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगा करके बेल्ट को अटैच कर लिया है। इसके बाद बैक की पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे तीन लेयर में मैंने कट कर लिया है और इसको स्टिच करके तीनों पार्ट को अटैच कर लेंगे और तिरछी पट्टी से नेक की फिनिशिंग कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने बैक के पैनल को रेडी कर लिया है, फिटिंग के टक्स को स्टिच कर लिए हैं, नेक की फिनिशिंग कर ली है। इसके बाद बैक के पैनल में बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच चौड़ा बेल्ट लिया है और लास्ट में इस तरीके से इसको शेप देते हुए कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए हम सेट करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड बेल्ट को सेट करेंगे और यहाँ पे भी प्लेट्स लगा करके सेट करेंगे और यहाँ भी इसे सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टिच लगा करके बेल्ट को अटैच कर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर अपने फ्रंट के पैनल को सेट करेंगे। उसके बाद शोल्डर को स्टिच कर लेंगे और साइड में फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 16 इंच इसकी चौड़ाई है और यहाँ से 15 इंच चौड़ाई है। ऊपर से 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से स्लीव का शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से स्लीव को शेप देंगे। टॉप के पोर्शन में साइड में फिटिंग की स्टिच लगा ली है, शोल्डर को अटैच कर लिया है। उसके बाद इसे राइट साइड में इस तरीके से टर्न करेंगे और उसके बाद स्लीव को लेंगे और इसके साथ में अटैच कर लेंगे। उसके बाद अपने स्कर्ट के पैनल को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे और सबसे पहले नेट का जो पार्ट है उसे इस तरीके से दोनों किनारों को साथ में सेट करते हुए ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद नेट के फैब्रिक को अंदर की साइड में रखेंगे और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उस पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसे राइट साइड में टर्न करेंगे और टॉप पार्ट के साथ में अटैच कर लेंगे। दोनों को साथ में इस तरीके से सेट करेंगे और स्कर्ट को इस तरीके से उल्टा करके वेस्ट लाइन पे सेट करेंगे गोलाई में और पिन लगा करके सेट कर लेंगे। यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। उसके बाद इसको सीधी साइड में टर्न कर लेंगे और यहाँ पे लाइनिंग पे मैं नेट की केन केन की जो लेस होती है उसे अटैच करूँगी। और इसे किस तरीके से अटैच करते हैं इसके लिए मैं एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे लेस को लाइनिंग में अटैच किया है क्योंकि जो मेन फैब्रिक है इस पे इस तरीके से छोटे छोटे दाने बने हुए हैं, उसकी वजह से इस पे स्टिच करने में प्रॉब्लम होता। और ये है ड्रेस का फाइनल लुक। Keep the sky on your mind.